नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किलोस्कर एसी और रिफ्रिजरेशन कंप्रेसर का मेंटेनेंस चार्ट के अनुसार नए कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कौन कौन सी बातें हमें याद रखना है और कौन कौन से डायरेक्शन हमें फॉलो करना है, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ किलोस्कर एसी एवं रिफ्रिजरेशन कंप्रेसर के रख रखाव यानी मेंटेनेंस चार्ट से लिया गया है। ये सभी बातें एसी, केसी, पीसी और एस्केप कंप्रेसर्स के लिए है। इस वीडियो में मैं 14 मुख्य बातें बताऊंगा जिसे आप नए कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नंबर एक, फाउंडेशन और बेस फ्रेम मैन्युफैक्चरर्स के रिकमेंडेशन के अनुसार चेक कर लीजिए और उसके मैनुअल से मिला लीजिए। ये फाउंडेशन की मजबूती के लिए जरूरी है। नंबर दो, मोटर और कंप्रेसर के अलाइनमेंट को चेक कर लीजिए, यानी मोटर का पुली और कंप्रेसर का फ्लाई व्हील के अलाइनमेंट को चेक कर लीजिए। नंबर तीन, चेक करके ये सुनिश्चित कर लीजिए कि कंप्रेसर के सक्शन और डिस्चार्ज पाइपलाइनों पर अतिरिक्त दबाव तो नहीं। कंप्रेसर और प्लांट के पाइपलाइनों पर वाइब्रेशन को रोकने के लिए जो सपोर्ट लगाए गए हैं उसे भी चेक कर लीजिए। नंबर चार, कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइपलाइन में जो डिलीवरी स्टॉप वाल्व लगाया गया है उसके नियर ही नॉन रिटर्न वाल्व लगा दें, यानी चेक वाल्व लगा दें, ताकि कंप्रेसर के ऊपर बैक प्रेशर न पड़े और कंप्रेसर आसानी से स्टार्ट हो सके। नंबर पाँच, प्रेशर गेजेस और सेफ्टी कटआउट बोर्ड अलग स्टैंड पर लगाएं, उसे कंप्रेसर पर कभी भी न लगाएं। ध्यान रखें कि सेफ्टी कटआउट बोर्ड का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रॉपर और करेक्ट हो। इसकी ऑपरेशंस की जांच किसी जानकार इलेक्ट्रिशियन एक्सपर्ट से करवाएं। नंबर छह, सिस्टम के सभी पाइपलाइनों को जांच करके देख लें कि ये साफ और धुली हुई है कि नहीं, इससे कंप्रेसर में कचरा और डस्ट जाने की संभावना नहीं रहेगी। नंबर सात, पूरे प्लांट की टेस्टिंग नाइट्रोजन प्रेशर से कर लें और यह निश्चित कर लें कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं। विदाउट एनी ड्रॉप के ये टेस्टिंग 24 घंटे तक करें। सिस्टम के हाई प्रेशर साइड का टेस्टिंग 17.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर पर करें और लो साइड प्रेशर का टेस्टिंग 11 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर पर करें। नंबर आठ, टू स्टेज वैक्यूम पंप की सहायता से पूरे प्लांट को वैक्यूम कर लीजिए। इसे 24 घंटे तक वैक्यूम रखें और ध्यान रखें कि इस दौरान प्रेशर बढ़ने न पाए। वैक्यूम लेवल 1500 माइक्रोन तक होना चाहिए। नंबर 9, कंप्रेसर में फ्रेश रिकमेंडेड रिफ्रिजरेशन ऑयल चार्ज करें जो कि कंप्रेसर के लिए रिकमेंड किया गया है। ऑयल का लेवल कंप्रेसर के साइड ग्लास के 3/4 स्तर तक हो। सलाह दी जाती है कि हमेशा पैकेट ड्रम में ही प्रमाणित विक्रेता या स्रोत से रिफ्रिजरेशन ऑयल खरीदा जाए, इससे नमी रहित और सही रिफ्रिजरेशन ऑयल प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले 1 लीटर रिफ्रिजरेशन ऑयल सक्शन ऑयल बॉटल और साफ सील कवर में उसके प्लग के माध्यम से डाल दीजिए और इसके साथ साथ 2 लीटर ऑयल डिस्चार्ज ऑयल बॉटल में डाल दीजिए। नंबर 10, शाफ्ट और फ्लाई व्हील में टैपर फिट होता है, इसलिए इसके फिटमेंट की जिम्मेदारी किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को सौंपी जानी चाहिए। नंबर 11, पहले 1000 घंटों तक कंप्रेसर से ऑयल सेपरेटर में जाने वाला रिफ्रिजरेशन ऑयल रिटर्न मत लीजिए। इसे दोबारा यूज करने से पहले इसकी गुणवत्ता की जांच कर लीजिए। इसका दोबारा इस्तेमाल तभी कीजिए जब कंप्रेसर और ऑयल सेपरेटर के बीच के पाइपलाइन में फिल्टर लगा हो। नंबर 12, कंप्रेसर के वाटर जैकेट और कंडेंसर को नुकसान से बचाने के लिए यानी स्केल से बचाने के लिए पानी को प्रॉपर केमिकल के मदद से शुद्ध कर लीजिए। नंबर 13, अगर कंप्रेसर पैरेलल गैस या ऑयल इक्वलाइजर में चल रहे हो तो उनका कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 14, कंप्रेसर के सेक्शन गैस स्टेनर के क्लॉथ बैग फिल्टर को चेक कर लीजिए, कृपया इसके लिए मैनुअल देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ किलोस्कर एसी एवं रिफ्रिजरेशन कंप्रेसर के मेंटेनेंस चार्ट से कुछ बातें जो कि नए कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले की बातें हैं। नए कंप्रेसर स्टार्ट करने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ये बातें हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।